के पहले, शादी के बाद वाला कार्यक्रम पहले करके ना टेस्ट ले लेते हैं, उनको नरक के कीड़े बड़े हिसाब से और नखरे के साथ में नाच नाच के खाएंगे। सावधान, मोबाइल में पाप करने वाले लड़के और लड़कियों, आज जगदलपुर के तमाम युवा और युवतियों के बीच में होने वाले अपराध के मामले में परमेश्वर का दास यहां हाथ धो के जाता है। आप में से कोई शहर में कहने नहीं पाएगा कि मेरी गलतियों को चेतावनी देने वाला कोई नहीं था। जैसे सुलेमान, जैसे पिलातुस ने अपना हाथ धो के कहा मैं यीशु के खून से बाइज्जत बरी हूं, वैसे ही शहर के तमाम युवा और युवतियों के अंदर में सेक्स और भावना और वासना से ग्रसित तमाम गंदे जीवनों के अपराध से परमेश्वर का दास बाइज्जत बरी हो जाता है। सुधर जाना, अन्यथा नरक के कीड़े नाक से जाएंगे, अंग्रेजी का दिमाग खा के खान से निकल के कहेंगे अच्छी नहीं आती इसको, अंग्रेजी लंगड़ी वाली बोलता है। कंप्यूटर के दीवानों, मोबाइल के दीवानों, मेरा प्रभु कहता है अपने दिमाग को ठिक ठिकाने लगा दो, क्योंकि प्रभु कहते हैं परमेश्वर का राज्य आ गया है, पश्चाताप तो करना पड़ेगा। तुमने तो एप्पल का, एप्पल में जो एप्पल मोबाइल होता है ना, एप्पल कंपनी ने एक एप्पल बनाई है और उसका एक टुकड़ा किसी ने बाइट करके खा लिया है, आपका दिल भी तो किसी ने ऐसे ही चाप लिया है शादी के पहले, आधा हिस्सा है नहीं? जूठा काटा हुआ दिल दूसरे को दे रहे हो, रजिस्टर वाले को जुठवा वाला दिल दे दिया तुमने। मैं याजकों से पूछा, आप में से कितने याजक हैं जिन लोगों ने कुंवारे लड़के और लड़कियों को शादी दी होगी? Nobody can challenge, ये अंदरूनी मामला है। परंतु आज तक धरती के अंदर एक भी कलीसिया ऐसी नहीं है जहां किसी याजक के अंदर में ऐसी हिमाकत होगी जो अपने जवान लड़के और लड़कियों को डिसिप्लिन करने के लिए वार्निंग दे रहे होंगे। इसका हिसाब आपको भी देना होगा, क्योंकि आपने संसार के साथ में युवा और युवतियों को समझौता करते समय डाइजेस्ट किया है। यह लेखा आपके भी हिसाब में होगा, इसलिए हर याजक को क्षमा मांगनी होगी इस बाबत में, क्योंकि आपने युवा और युवतियों को वासना के रास्ते से निकाल करके उन्हें पवित्र करने का संदेश नहीं दिया है। चाहो तो मानो, एलिया का अभिषेक पुकार पुकार के यीशु के आगमन की तुरी बजने से पहले शुद्धिकरण की राह दिखा रहे हैं। Repent and come back to the Lord. पश्चाताप करो, तब स्वर्ग में रखा हुआ जीवन तुम्हारे दरवाजे के पास आ जाएगा। जिसने अपनी गलतियों की माफी नहीं मांगी, पिता तुम्हारे जीवन को स्वर्ग में छुपा के रखेगा। जिस दिन तुम अपनी गलतियों को मान लोगे, स्वर्ग की तमाम प्रकार की छुटकारे की आशीषें तुम्हारे दरवाजे में खड़ी हो जाएंगी और कहेंगी बेटा आ जा। Repent. अब माँ बाप को मत सताओ, माँ बाप के लिए ब्लड प्रेशर और शुगर का इलाज मत करो, अपने बूढ़े माँ बाप को जल्दी निपटने की गोलियां मत दे दो। बेटी और बेटियों, बदल लो अपना जीवन, नहीं तो जिन आंखों को आपने ये लड़कियों की नाई की दुकान में जाकर भौहें मंडवाई है ना, उन आंखों को पहाड़ी के कौवे खोद खोद करके ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर बना के खा जाएंगे। नीति वचन 20:30 और 30:30 में लिखा है, जिन आंखों से कोई अपने माता और पिता को अनादर की दृष्टि से देखे, उन आंखों को पहाड़ी के कौवे खोद खोद के खा जाएंगे और उनका दिया बुझ जाएगा। जिन कजरी कजरी आंखों को खूबसूरत बनाने के लिए बेटा और बेटियों तुमने प्रयास किया है, वे चील और कौवे का भोजन बन जाएंगे। बाइबिल में लिखा है, मैं कोई बालाघाट से छाप के नहीं लाया नीति वचन। रिपेंट, मत जाइए बाहर, रोटी खाए बिना गेट के बाहर कोई अंधकार में छुपा हुआ है। जिस जो यहूदा इस्कारियोती के अंदर समा गया था, उसने रोटी देखा कि कोई नहीं देख रहा है, रोटी खाए बिना निकल गया। और बाइबिल कहती है जैसे ही यहूदा इस्कारियोती बाहर गया, वैसे ही दुष्ट उसके अंदर समा गया। आओ, जब रोटी प्रभु दे रहा है 2 घंटे से, इसको खा लो, पश्चाताप की रोटी खा लो,
स्वर्ग का राज्य धरती पर आ जाएगा, तुम्हारे दरवाजे खड़े होकर कहेगा तूने पश्चाताप कर लिया है, अब आ जा अंदर। ये था मेरे प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन। अब हम कल और बताएंगे जो तेरे पास क्या थामना है। अभी तो प्रभु जी नहीं आए हमारे अंदर, तो पवित्र आत्मा कहां से आएगा? जब पवित्र आत्मा आ गया तो उसको प्यार भी तो आना पड़ेगा, और जब प्यार आएगा तभी ना आनंद शांति आएगी, और जब आनंद शांति आएगी तभी ना तो वचन के अनुसार चलेगा, और जब तू वचन के अनुसार चलेगा तभी ना तू थामने वाली संपत्ति इकट्ठा करेगा, और तभी ना तेरा मुकुट जो है सुरक्षित रहेगा, अन्यथा तुझे मुकुट कौन देगा? हेलमेट पहन के तो नहीं ना जा सकता है। जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहे। मैं चाहता तो 45 मिनट में आपके सिर पे सरसों का तेल डाल के गुडू गुडू करके आपके भूत निकाल के हम जल्दी चले जाते, एक घंटा पहले होटल में आराम करते, पर हम क्यों माथा खा रहे हैं आपका? मुझे मेरे पिता के लिए अपना काम पूरा करना जरूरी है, मुझे प्यार है आपसे, परंतु इस डांट से मैं बहुतों का दुश्मन बन जाऊंगा, पर मुझे मालूम है इसकी शाबाशी तो मेरा मालिक मुझे देगा। आपकी इज्जत की जरूरत नहीं है मुझे, मुझे तो ऊपर जाने से मतलब। और फिर आएंगे और फिर खाएंगे, जिससे कि तुमको तड़फा तड़फा के मारेंगे, क्योंकि तुमने अपनी जननी का अपमान किया है। समझ में आ गई? आए जवानों, चेत जाने में भी भलाई है, नहीं तो ये कंप्यूटर और ये मोबाइल और ये फेसबुक तुम्हारे नाक के अंदर घुसने वाले नरक के कीड़े की आवाज बन जाएगा। हाँ, तुम भूल गए इस तनों से जिस मां ने तुम्हें दूध पिलाई, रात रात भर तुम्हारे कपड़े बदलते रही, वह तुम्हारा रोना देख करके खुद रोती थी, आज छाती में गोश्त आ गया तो कहते हो मां तुम्हें नहीं समझता। जिस मां ने तुम्हें बोलना सिखाई, तुम उस मां को चुप रहना सिखाते हो। हाय, तुम्हारे दिमाग के कंप्यूटर का भूत घुस गया है। मैं आपके पास में ऐसे ऐसे एविडेंसेस दे सकता हूं, मोबाइल दीजिए, ऐसे ऐसे एविडेंसेस दे सकता हूं। आज फेसबुक के अंदर में काम करने वाली दुष्ट आत्माएं, आज यदि मेरे पास में वक्त हो ना तो मैं आपको समझाऊं। आज इंटरनेट के राजा का चित्र देखना चाहते हो? इंटरनेट के अंदर में एक बार अफ्रीका का एक आदमी इंटरनेट में एक कोर्स कर रहा था, और उस कोर्स का नाम है थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा ना, जरा देखिएगा, मेरे पास एविडेंसेस हैं। फॉर दिस मास्टर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी इन NIT इन USA, इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी इन NIT in the US. US में इंफॉर्मेशन सिस्टम। पापा तुमको नहीं समझ में आता, तुम पाना पिंचिस वाले हो, मैं लैपटॉप वाला हूं। वाह, खतरनाक समय आ गया है शैतान तुम्हें। तुम जितने भी हाईटेक वाले हो, तुम्हारे मन में पीस है क्या? मैं इंटरनेट चलाने वाले से पूछता हूं, मैं फेसबुक में बात करने वाले से पूछता हूं, मैं उन तमाम तमाम कंप्यूटर से जुड़े हुए लोगों से पूछता हूं, डू यू हैव पीस इन योर माइंड? क्या तुम्हारे विवेक में किसी ने तुमको चोट दिया और किसी को तुमने चोट दिया, क्या तुम्हारा कॉन्शियस काटता है? क्या जितने भी फेसबुक में बात कर रहे, जितने लोग इंटरनेट में बात कर रहे, मां के आंखों में आंसू दिया तो तुम्हारा मन तुमको काटा? क्यों आज कॉन्शियस खत्म हो गया है? क्यों आज कॉन्शियस खत्म हो गया है? तुम बाप का अपमान करते हो, मां का अपमान करते हो, तुमको गिल्टी क्यों नहीं लगता? यू आर पजस्ड विद द डीमन। नेट की डीमन
कंप्यूटर की डीमन तुम्हारे विवेक को, तुम्हारे कॉन्शियस को मार डाली है, जिससे तुम बहन का अपमान करते हो, भाई का अपमान करते हो, मां का अपमान करते हो, पड़ोसियों का अपमान करते हो, स्वार्थ के लिए जी रहे हो, रिश्तों को रिश्ता नहीं समझते, अपनों को अपना नहीं समझते, अपनी जिंदगी की वासना को जिंदगी समझते हो। तुम्हारा विवेक किसने मार डाला? डू यू हैव एनी आंसर? किसने तुम्हारा विवेक मार डाला? तुम्हारा मन तुमको क्यों नहीं कचोटता? तुमने बाप के आंख से आंसू निकाले हो, तुमने मां की बेइज्जती किए हो, तुम्हारा मन तुमको क्यों नहीं काटता? क्योंकि नेट के भूत ने तुम्हारी बुद्धि को अंधा कर दिया है। साइंस पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ने से तो मां के घर की नौकरानी हो जाती है। अरे तुझे कंप्यूटर आ गया तो बाप तेरा नौकर हो जाता है। तूने बाप को पैदा किया है या बाप ने तुझे पैदा किया है? जरा सोच दो मिनट। जिस तरीके से आज युवा युवती अपने माता पिता के आंसू निकाल रहे हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारी दे रहे हैं, क्या इनाम मिलेगा तुम्हें? किसने तुम्हारे मन को सख्त कर दिया? तुम्हारे मन को सख्त करने के पीछे ये दुष्ट आत्माएं हैं जो आज भी मनुष्य के जीवन को अपने कब्जे में किए हुए हैं। हाँ, जागो जागो, यीशु आ रहे हैं। यदि मुझे डिमनोलॉजी के बारे में, साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने के लिए देंगे ना, तो हफ्ते महीने गुजर जाएंगे, समय खत्म हो गया है बेटा। यदि आपका पहला पुनरुत्थान नहीं हुआ तो हजार साल के बाद अधलोक से निकल के आओगे और अधोलोक से निकल के आके अपना शरीर पहनोगे और बॉटमलेस पिट में जाकर, मैं देखता हूं लड़कियों को 24 घंटे नेट नेट नेट, लड़कों को नेट नेट नेट, मोबाइल के अंदर। फिर मोबाइल ना इतना बड़ा कौन लेके जाएगा? वो जो छोटा सा है ना, आईपॉड, ईपैड, आईपॉड, बस उसमें सिम लगा दिए, चिकर 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 चिकर। रेल में भी बदतमीजी करना नहीं छोड़ते। मैं तो किसी के घर में जाके देखा नहीं रे बाप, मैं तो रेल की कहानी बता रहा हूं। चार छोकरियां बैठ जा, क्या आज आप नीचे जाने में तसल्ली महसूस करते हैं? मेरे प्रियो, पश्चाताप करने में ही फायदा है। शरीर तो वैसे भी जाएगा मट्टी में, ऐसे भी जाएगा, अनुभूति नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, फिर हम फिर से नीचे से और ऊपर से अलग अलग समय में आएंगे। हम नीचे से और ऊपर से हम समय में आएंगे। फोकस करके इसको डाइवो कीजिएगा। हम समय में आएंगे और अपना अपना शरीर पहनकर या तो नीचे की ओर या फिर ऊपर की ओर जाएंगे। रिपेंट एंड कम बैक टू द लॉर्ड।